कि आज की और मेरी जमूरियत इस मैदान में मुख्यतम करने से बहुत ज्यादा, क्योंकि हम अपने जो फैसले मकानी सतह पर करते हैं वो किसी व्यक्ति कमिश्नर के इशारे पर या कमिश्नर के इशारे पर नहीं कर सकते। जो एक्सपीरियंस रखते हैं किसी काउंसिल में जो हजरात, वो अपना फैसला अब खुद करते हैं। आपको याद होगा आज को 20 साल पहले जब एक जमातों की उसका निदान था या दूसरी निदान, तो उस वक्त डिप्टी कमिश्नर के इशारे पर तकरीबन तमाम निदान जो था वो चलता था। ये बहुत एक बुनियादी बाधक है और आप लोगों ने ये भी देखा कि जब दरियाती निजाम नहीं होता तो फिर जो मकामी हालात होते हैं या मकामी मसायल होते हैं उनके लिए दैवियों शख्स एक बड़ा जमींदार है, एक छोटा काश्तकार है, एक खारी है, एक नजारा है, उन सबको बतौर पायल कथा पर मिल गया है मैं इनमें खड़ा होना पड़ता और जो ये नहीं कह सकता कि जनाब क्योंकि मैं अपनी लाखों की नुमाइंदगी करता हूं क्योंकि मेरा काम आप चालू कर सकता हूं। आज अपना जो हक धर्म है अपने अपने लोग हम जो मिस्टर अदा किया जब आपने अपने आदमी को मुंतजित किया और ये मामला आपने किया कि आपके इलाके का ये मुंतजित नुमाइंदा जब आपने अपने हकूक उसके हवाले कर दिए आपकी नुमाइंदगी आपकी तरफ से वो ये करता है और इस तरह तौर पर आपकी टाउन कमेटी या आपकी जरा काउंसिल में ये फैसले आपकी तरफ से वो करते कि सड़क कहां से कहां बननी है, बिजली कहां प्रदान की जानी, पीने के पानी का मसला या और अस्पताल कहां बनाए जाएंगे, उस चीज का फैसला आपने दोबारा अपने नुमाइंदों के बारे में उसी साल इंशाला 1983 में एक दफा फिर करना, 1983 लोकल इंतखाबात का साल है। मुझे उम्मीद है कि एक बार फिर 4 साल के बाद जब आपको यह मौका फराहम किया जाएगा तो आप उन लोगों को अपना वोट अपना हक अदा करेंगे जो सही मामले में आप लोगों की खिदमत या की है वो ज्यादा करने की गुंजाइश रखते हैं। क्योंकि हमने ये देखा है कि जब भी हमने ऐसे लोगों को मुंतकिल करके आगे लाए और फिर वो 3 या 4 साल गाफिल रहे और सही मायनों में हमारी नुमाइंदगी नहीं की तो जो तमाम ये इलाका जहां ऐसी नुमाइंदगी आती है उसको परेशानी रहती है। मैं ये समझता हूं कि मौजूदा रिकॉर्ड में बेशतर मकानी काउंसिलें रहती हैं जहां बहुत सही काम हो, इसका अंदाजा तो आज ही पड़ेगा। एक नमूना यहां इस मुसाफिर खाने का था आपके सामने और बहुत से ऐसे नमूने जो मैं नहीं भेज सकता भारत के स्वयं जो कराची से यहां पे श्री प्रभाव में रोज नहीं भेज सकते पर यकीन आपको रोज मिलेगा उनकी कहानी में भी शामिल ले रहे और ऐसी स्थिति उसे मैं जमीन बैठ कर नजर आती है मैं इस्तेमाल नहीं करते ये है जो एक मकानी हकूमत के निजाम का यह बन गया था। क्योंकि ये चीजें सिर्फ टेलीविजन रेडियो या अखबार तक मौजूद नहीं रहती, आप हमें सुनते तो हो जरूर यकीनन पर आप उसमें सिर्फ तब ही यकीन करते हैं अगर उसका अमल आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में करते हैं। तो ये आपने फैसला अदल से करना
आए के 3.5 साल में कितना काम हुआ है। लालू सवाल तो मैं आपके पाकिस्तान की सरकार को हर वक्त देता भी हूँ और ऐसी दे सकता है। आज सरकार अदालत बैठी है, आज में अल्लाह ताला के सामने चीज का फैसला करना है। आया कि पहले क्या होता रहा और अब क्या हो रहा है और आइंदा किस रूप में आज में एक निदान को चलाने, क्योंकि निदान कोई भी है सराते तो उसको ले भी हम तक निभाएंगे। इस वक्त 14,000 मुंतखब लोकल काउंसलर पाकिस्तान की सतह पर इस निदान को चला रहे हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक ये निदान कामयाबी से चल रहा है और पहले की नस्बत बहुत बेहतर चल रहा है और कुछ ऐसी चीजें हैं जो और बेहतर तरीके से चलाई जा सकती है। हमने अपनी पंचायती कमीशन की रिपोर्ट में बहुत सी ऐसी सिफारिशें पेश की है जो कि सदर मंडल के सामने मरम्मत पेश की। बहुत जल्द ये सिफारिशात सरकार की कैबिनेट के सामने पेश की जाए और इसके फौरन बाद सफाई मुख्यमंत्रियों को भी भेज की जाएंगी और इंशाल्लाह जो आचर देंगे सुबह के बीच जब उन पर अमल किया जाएगा आप कोई चीज का पूरा एहसास होगा कि बंगाली निजाम दूसरे को चल रहा है वो सिर्फ कामयाबी के साथ इंशाल्लाह पाया तकलीफ पर पहुंचाया जाएगा। दिल्ली रियासत के लोगों के साथ मेरी बैठक की बतौर चेयरमैन बड़ा काउंसिल भुगतान की भी है क्योंकि मैं खुद एक देहात का नुमाइंदा हूं और इसके साथ जो मेरी बुनियादी साइंस में टेक्नोलॉजी में तालीम मैंने मुख्तलिफ मुबारक में पाई बचपन से मेरे जन्म में मेरे जन्म में सिर्फ एक ही ख्वाहिश रही तो पाकिस्तान जैसे वर्ष में कभी किसी भी दुनिया के सत्ता में होता है। हमारी जमीन बड़ी तरफी है, हमारे लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, हमारे लोग बहुत कुछ हो सकता है। सिर्फ हमारे मुल्क में जो बुनियादी कमी रही वो तालीम की और साइंस की तालीम की है, क्योंकि जब तक मौजूदा दौर में आज तो देखते हैं अपने अपने विरोध जब तक मॉडर्न टेक्नोलॉजी को हम नहीं अपनाएंगे, जब तक हम अपनी विराज की जो बुनियाद है उनको इन टेक्नोलॉजी के तहत आगे नहीं बढ़ा सकेंगे तो सभी मामलों में हम जरूरी तौर पर अमली तौर पर अपने आप को आजाद या खुद मुख्तार नहीं कर सकते। ये हमारी खुशनसीबी है कि 30 साल के बाद पाकिस्तान जंगल में जेलों में खुद कफील हो चुका है। मौजूदा काल में हम 1.5 लाख से अंदर ईरान को भेजेंगे, पिछले साल 50,000 कर देंगे। आपने देखा है कि हमारे फैक्ट्रीज में चीनी के अंबार लगे हैं, तकरीबन 3.5 लाख टन चीनी हमारे पास इस वक्त आज है। इसके अलावा कपास तो पहले ही हम बरामद करते हैं और चावल भी, और हमारे दो चीजों की कमी है, एक खुद निकल की और दूसरी दूध। मुझे उम्मीद है कि आप हजरात जो कि बहुत से तल्लुक रखते हैं उन दो अशिया की तरफ विवाद करेंगे और ये कमी भी हमारे वर्ग की पूरी करेंगे। मैं आप लोगों का कई दिन से मशहूर कि आज ने मुझे ये मौका प्रदान किया कि आपकी खुशियों में आज तक मैं भी शरीक हो सकूं और एक ऐसी जगह में शरीक हो सकूं
जहाँ से मेरे भाई मेरे बुजुर्ग बच्चे हैं और जिसके मुंतजर शहर में हम ही से आए जहाँ से मेरे बुजुर्ग आए और मैं अपनी तरफ से एक छोटी सी रकम आपकी टाउन कमेटी की थोड़ा मजबूत के लिए देना चाहता हूँ। है तो बहुत कसी रकम तो मैं ये समझता हूँ कि शायद ये 1000 रहे जो 5000 रुपये मैं अनाउंस करता हूँ। इसके साथ ही मैं एक बार फिर महात्मा गांधी आज और ने शाहपुर जहानिया और बहुत मशहूर हूँ आज ये मुझको आज ये तबादला ख्याल का मौका प्रारंभ किया। इसके साथ ही मैं आपको इजाजत देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।